ट्रेविस की टूटी टांग। जब मैं नया नया फायर फाइटर बना था तब हमारे ग्रुप का एक मोटिव था। जानना चाहोगे कि वो क्या था एल्विस? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दमदार और तैयार। दमदार हमेशा तैयार। दमदार किसी भी इमरजेंसी को संभालने के लिए और तैयार झट से काम करने के लिए बिना थके हुए। ओ, तो ये बात है। बस ध्यान रखना कि फायर फाइटर को होना चाहिए दमदार और हमेशा तैयार। वैसे आज की चाय कौन बना रहा है? मैं जाकर बनाता हूँ सर। मुझे थोड़ी कड़क चाहिए। लो चमकाऊ मैं चकाचक और मैं दिख रहा हूँ टकाटक। एल्विस! मेरा पैर! ओहो, तुम्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ओह, फिर से पिक्चर गायब। अब हम टीवी कैसे देखेंगे? हमें नया टीवी चाहिए डैड। बिल्कुल नहीं, एंटीना में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। मैं छत पर जाकर चेक करता हूँ। चेक क्या, ठीक ही कर देता हूँ। जरा आराम से एल्विस। ये मैंने क्या गलती कर दी? ऐसी हालत में तुम कैसे हमेशा दमदार और तैयार रहोगे एल्विस? सॉरी स्टेशन ऑफिसर स्टील। अब क्योंकि तुम छुट्टी पर रहोगे, मुझे तुम्हारे सारे काम संभालने पड़ेंगे। चलो अच्छा है, तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझसे सीखने के लिए। कोई बात नहीं एल्विस, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लोगों की मदद करनी चाहिए ना। अब मैं उन लोगों की मदद कैसे करूँगा? शायद मुझे फायरमैन बनना नहीं चाहिए था। अब ठीक है। क्या बात है, मैं जो भी करता हूँ ठीक करता हूँ। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! ओह नो! मैं फायरमैन सैम को फोन करती हूँ। माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है। अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो? पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ, दमदार और हमेशा तैयार। ये मेरी हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ क्यों नहीं। टीम, एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। और सर, जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा। ये क्या? नहीं, ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? बचाओ। अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? मैं यहाँ से गुजर रहा था और ये लड़का मुझे इस हालत में मिला। ओह, मेरे बच्चे, कोशिश तो करो सर बाहर निकालने की। मैंने बहुत कोशिश की मॉम। इसे यहाँ से निकालना मुश्किल होगा। ओह नॉर्मन, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। अब फायरमैन सैम को बुलाने का वक्त है।
हाँ हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लंच भी खा लिया है। अच्छा मैं रखता हूँ, बाय। क्या डॉमन का सर फंस गया रेलिंग में? बस दो मिनट और माइक। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। क्या कहा? एक और इमरजेंसी आ गई, एक लड़के का सर रेलिंग के बीच फंस गया। तुम यहाँ काम संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। वैसे क्या मेरी यहाँ जरूरत है? नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए, हम यहाँ संभाल लेंगे। डैड सेफ है, वो बच गए। थैंक यू सैम। थैंक्स सैम। वैसे नीचे जाने से पहले क्या मैं ये एंटीना ठीक से लगा दूं? क्या आप लोग थोड़ा पीछे हटेंगे प्लीज? नॉर्मन प्राइस, तो मेरा शक सही था। हेलो स्टेशन ऑफिसर स्टील, प्लीज मेरे बेटे की मदद कीजिए। क्या आप उसे वहाँ से निकाल पाएंगे? आप लोग पीछे हट जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। इससे मुझे एक बात याद आई, एक बार एक लड़का फार्म हाउस के गेट में फंस गया था। बस फर्क ये था कि उसका सर इस तरह से फंसा। नहीं ये कैसे हो सकता है, हेल्प, कोई मेरी मदद करो, खींचो मुझे पीछे। नहीं इतनी जोर से नहीं। अब आप क्या करेंगे, आपका सिर तो मुझसे भी बड़ा है। ओहो क्या हो रहा है यहाँ, हमें मदद लेनी होगी। कैसे दिन आए हैं मेरे, नीचे गिरा हूँ, पाँव टूटे हैं और मैं कुछ काम का नहीं हूँ। क्या स्टेशन ऑफिसर स्टील का सर भी रेलिंग में फंस गया है? ओह नो! पर सैम और पेनी अभी तक वापस नहीं आए और मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। या शायद कर सकता हूँ, मुश्किल में साथ देना ही मेरा धर्म है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो देखो, ये तो एल्विस है। एल्विस? रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, दमदार हमेशा तैयार सर। लेकिन एल्विस इस हाल में? कोई बात नहीं, मैं दोनों को निकाल दूंगा। ट्रेवर, वीनस के अंदर हमारा मशीन है, प्लीज वो लेकर आओ। ठीक है एल्विस। पहले बच्चे को निकालो। हाय मेरे कलेजे का टुकड़ा, तुम ठीक तो हो ना? इस मशीन से मुझे मॉम से भी आजाद करो प्लीज। ओह बच गया, गुड जॉब एल्विस। वैसे ये बात किसी को मत बताना प्लीज। हैं? समझ गया स्टेशन ऑफिसर स्टील। सब ठीक तो है? हाँ यहाँ सब ठीक है, और वो भी एल्विस की वजह से। एल्विस तो बिल्कुल हीरो है सैम, इसे कहते हैं दमदार फायरमैन। फायरमैन एल्विस ने एक बात तो साबित कर दी, वो है दमदार और हमेशा तैयार, अपने टूटे हुए पांव के साथ भी। जब उसे सुनाई दे फायर अलार्म, बचाने आ जाए हमारा सैम। अगर तुम फंसो तो बुलाना उसे, आएगा वो मदद के लिए। तो हट जाओ।